जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है घमासान डॉट कॉम पर। हाँ जी बताए, जी सर, नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खड़ी हुई है दिग्विजय सिंह के सामने, तो सर क्या लगता है आपको, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भोपाल में जो लहर है वो रंग लाएगी? बिल्कुल प्रचंड बहुमतों से विजयी रहेंगे, जी और जो दिग्विजय सिंह ने भ्रामक प्रचार करके जो समाज में तो वो पैदा किया है, उसका सही जवाब उनको इस समय मिलेगा। जी जिस तरह सर इंदौर में शंकर लालवानी एक नए चेहरे के साथ उतरे हैं, क्या लगता है सर, क्या भाजपा अपना घर फिर से साबित कर पाएगी इंदौर के लिए? लगातार 8 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमित्रा महाजन जी ने इंदौर को एक मजबूत गढ़ के रूप में स्थापित किया है, और इस बार भी शंकर लालवानी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे ऐसा अनुमान है, और सभी कार्यकर्ता पूरे मनपूर्वक लगे हैं उन्हें विजय दिलाने में। जी जी, मेरा सर सबसे आखिरी सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक और नया स्टेटमेंट आज ही सामने आया है कि जिस तरह श्रीलंका में बुरखे को बैन किया गया, क्या उसी तरह उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमान क्यों खुद नहीं कर देते बुरखे को बैन? तो सर क्या इस स्टेटमेंट में आप उनके साथ हैं, क्या लगता है आपको? मैं देखिए, श्रीलंका में दुर्घटना के बाद में भारत का स्टेटमेंट क्या हो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर रहा है कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार आगे बढ़ने के अवसर के लिए प्रयत्न रही है, वो चाहे 3 तलाक के लेकर क्यों ना हो या उनके शिक्षा को लेकर क्यों ना हो, और उनकी जो अन्य समाजों की महिलाएं हैं उनके समान उनके अधिकार होना चाहिए, इसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत रही है, और हमेशा उनका यह प्रयास रहा है कि उनको भी समाज में बराबरी की भूमिका मिलना चाहिए। तो सर आपकी पार्टी क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के साथ है, आप क्या कोशिश करेंगे इस बयान के लिए? नहीं, वो उन्होंने व्यक्तिगत बयान दिया है या पार्टी से पूछ के बयान दिया है मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है मैंने आपके सामने रखा है जी, वो उसके लिए सब एकमत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका घमासान.com से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।